अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। मैं हूं रुखसाना मसूद। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी होम रेमेडी लेके आई हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा फीचर लेके आई हूं जो आपकी स्किन को ब्राइट ग्लोइंग बना देगा और आपकी जितनी भी डल स्किन हो रही होगी इंशाल्लाह ताला उसको ये फ्रेश कर देगा। बस अब फिर आपने ये वाली जो मैं आज आपको रेमेडी बता रही हूँ और फीचर बता रही हूँ ये आपने घर में किस तरीके से यूज़ करना है तो आपने गौर से वीडियो देखनी है। और ना सिर्फ ये आपके डार्क स्पॉट को ख़त्म करेगा, आपकी स्किन के कलर को भी ये ज़बरदस्त सा कर देगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप जो है वो है क्लींजिंग। आपको पता है क्लींजिंग जो है वो आपके फेस की ग्लोइंग के लिए बहुत ही अमेजिंग है। सबसे पहले हमें चाहिए 1 टेबल स्पून योगर्ट। योगर्ट जो है बहुत ही अमेजिंग है आपकी स्किन की क्लींजिंग के लिए, ठीक है। तो ये ले लेंगे हम। और उसके बाद हमने 1 टीस्पून एलोवेरा जेल लेना है। 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो कोकोनट ऑयल के हमने ले लेने हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपने इन्हें इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आप अपने फेस पे अप्लाई कर लें और आपने 4 से 5 मिनट जो है ना आपने इसे मसाज करना है, ठीक है। अच्छे से जब आप मसाज करेंगे तो आपकी जितनी भी डर्ट स्किन होगी उसको ये रिमूव करेगा इंशाल्लाह, और ओपन पोर्स जो आपके हो रहे होंगे तो उसे भी ये श्रिंक करेगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर लेना है और ठंडे पानी से आपने वॉश करना है, ठीक। जी फ्रेंड, दूसरा स्टेप है स्क्रबिंग, ठीक है। जिसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून दही चाहिए, 1 टेबल स्पून हमें राइस फ्लोर चाहिए, ठीक है। आपको पता है राइस फ्लोर जो है स्किन वाइटिंग के लिए बहुत ही अमेजिंग है। अब आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पे आपने 3 से 4 मिनट के लिए आपने मसाज करना है। जी फ्रेंड्स, राइस फ्लोर जो है आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन को जो है वो ब्राइट बनाता है। इसके बाद आपकी स्किन के जितने भी डेड सेल्स होंगे उसको ये रिमूव करता है और आपको एक फ्रेश लुक देगा इंशाल्लाह ताला। जी फ्रेंड्स, अब आपने ठंडे पानी से वॉश कर लेना है मसाज करने के बाद। तीसरा स्टेप है फेस पैक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फेशियल में। तो सबसे पहले आपने 1 टेबल स्पून ग्रैम फ्लोर लेना है, 1 पीच टेरामिक लेनी है आपने, हनी 1 टीस्पून लेना है आपने, 1 विटामिन ई कैप्सूल ले लेना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 1 से 2 टेबल स्पून योगर्ट आपने ले लेना है और 1 से 2 टेबल स्पून आपने योगर्ट में जो है वो अच्छे से पेस्ट बना लेना है। ये अच्छा सा एक मास्क तैयार हो जाएगा। अब आपने अपने चेहरे पे इसे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। 15 से 20 मिनट रखने के बाद आपने इसे वॉश कर लेना है ठंडे पानी के साथ। तो देखेंगे इंशाल्लाह फेशियल के बाद आपकी स्किन जो है बहुत ही यूथफुल एंड ग्लोइंग सी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, और बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ और बेबी स्किन आपकी इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। जी फ्रेंड्स, तो आपने ये फेशियल जो है ज़रूर ट्राई करना है इंशाल्लाह ताला। ये आपको बहुत ही पसंद आएगा और इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको इस फेशियल का जो है वो रिज़ल्ट अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स है, वहाँ पे जाके आपने कमेंट्स ज़रूर करके बताना है। इंशाल्लाह ताला आज की रेमेडी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, माई सेकेंड चैनल माई किचन माई रूल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जा जाती हूँ, अपनी बहन को जा दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।